ज्योति पर दीपावली के मौके जहां हर साल चमक दमक दिखाई पड़ती थी और खुशियों का माहौल बना रहता था, ऐसे मौके पर आज पर भी पूरा हिंदुस्तान शोक मना रहा है, क्योंकि अपनी भारत माता की सुरक्षा करते सीमा पर हमारे जवान शहीद हो गए हैं। जब सभी दिवाली मनाने की तैयारी कर रहे थे तो भारत माता के वीर सपूत सीमा पर विरोधियों के साथ खून की होली खेल रहे थे। अपनी जान गंवा कर इन्होंने भारत माता की वीर सपूत होने का फर्ज निभाया है। इन्हीं की शोक में आज पूरा देश डूबा है। वहीं गुजरात के भुज में हो रही भोजपुरी फिल्म सत्या के की पूरी टीम के साथ भोजपुरी गायकी के सिरमौर व अंगड़ी अंगमैन पवन सिंह ने भारत माता के शहीद हुए वीर सपूतों को कैंडल जलाकर 2 मिनट का मौन रख श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं पवन सिंह ने दिवाली ना मनाने की सबसे अपील भी की। फिल्म सत्या का सेट वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत के नारों से गूंज उठा था। सभी के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश और सबक सिखाने की भावना नजर आ रही थी। ज्योति पर्व दीपावली के मौके जहां हर साल चमक दमक दिखाई पड़ती थी और खुशियों का माहौल बना रहता था, ऐसे मौके पर आज पर भी पूरा हिंदुस्तान शोक मना रहा है, क्योंकि अपनी भारत माता की सुरक्षा करते सीमा पर हमारे जवान शहीद हो गए हैं। जब सभी दिवाली मनाने की तैयारी कर रहे थे तो भारत माता के वीर सपूत सीमा पर विरोधियों के साथ खून की होली खेल रहे थे। अपनी जान गंवा कर इन्होंने भारत माता की वीर सपूत होने का फर्ज निभाया है। इन्हीं की शोक में आज पूरा देश डूबा है। वहीं गुजरात के भुज में हो रही भोजपुरी फिल्म सत्या के की पूरी टीम के साथ भोजपुरी गायकी के सिरमौर व अंगड़ी अंगमैन पवन सिंह ने भारत माता के शहीद हुए वीर सपूतों को कैंडल जलाकर 2 मिनट का मौन रख श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं पवन सिंह ने दिवाली ना मनाने की सबसे अपील भी की। फिल्म सत्या का सेट वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत के नारों से गूंज उठा था। सभी के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश और सबक सिखाने की भावना नजर आ रही थी। भोजपुरी इंडस्ट्री की चटपटी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें भोजपुरी मीडिया।